हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक है। और यह है सुबह सुबह का टाइम। ये मैंने रात दही जमाई थी तो ये हल्की सी रह रही है ज़मीनी, मतलब दोपहर के खाने तक का ये हो जाएगी अच्छे से। और ये मैंने यहाँ पर बादाम भिगोए थे बच्चों के लिए और अपने लिए और हस्बैंड के लिए, तो इनको मैं अभी छीलूँगी और अपने लिए करूँगी पानी गर्म। तो यहाँ पर मैंने गैस पर अपने लिए पानी रख दिया है, बादाम छील कर रख दूँगी। बच्चे को उठाऊँगी, वो स्कूल जाएंगे, तैयार होंगे, तो इतने में बादाम वगैरह छील कर रख दूँगी और अपना पानी पीऊँगी बैठकर। तो बच्चे भी रेडी हो जाएंगे और फिर उठ कर ना बच्चे आराम से खा लेते हैं और मैं भी अपने बादाम खा लूँगी। भीगे हुए बादाम बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को भी देने चाहिए मतलब। और हम तो दोनों बच्चों को देती हूँ मैं तो, और ख़ुद भी और हस्बैंड भी, तो हम चारों लोग ही खा लेते हैं। और चारों के लिए ही मैं दो दो तीन तीन बादाम भिगो के रख देती हूँ रात को। तो मैंने सारे बादाम छील दिए। सुबह उठते ही उन्होंने स्टोव काम में लग जाते हैं, ये तो मैं बैठ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, इसमें काम भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका टिफिन पैक करना होता है, उनको रेडी करना होता है। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए हैं, मैंने इनको खा दिए थे, ये कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में आज वैसे तो कुछ ये खा के जाते नहीं है, ये नीचे शॉप है इसके पापा की, तो वहाँ से ले आते हैं कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी ये ब्रेड सिखवा लेते हैं। तो ये आज बिस्किट खा रहे हैं चाय से। और अभी बच्चे चले गए थे तैयार हो गए, मैंने उनको भेज दिया था स्कूल में। अभी मैं आ गई हूँ रूम में, तो रूम को थोड़ा सा क्लीन करूँगी क्योंकि कल है नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी रेस्टिंग वगैरह कर रही हूँ और बेड शीट भी चेंज करूँगी आज, तो सोफे या कवर वगैरह ये सब कुछ चेंज करूँगी। तो आज लगी हुई हूँ मैं, बच्चों को भेजने के बाद तुरंत लग गई थी। सुबह से ही हम महिलाओं के हाउस वाइफ के ना बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट हो जाते हैं सुबह की भाग दौड़ में, और दोपहर तक का काम में मतलब होश नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन काम को ना हमें अपने रूटीन के हिसाब से लेके चलना है, तो बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लेते हैं सारे ही काम। इतने में अंदर की डस्टिंग वगैरह करूँगी, रूम वगैरह क्लीन करूँगी, तो किचन क्लीन करूँगी। किचन भी अभी ऐसे ही पड़ी हुई है बच्चों के भेजने के बाद स्कूल, तो मैं आ गई थी एकदम से किचन में, वो सॉरी रूम में। तो मैं रूम के आज बेडशीट वगैरह चेंज किए, तो थोड़ी डस्टिंग भी की है। तो इनको करने के बाद मैं पहुँचूँगी किचन में, किचन क्लीन करूँगी, साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। फ्रेंड ऐसे ही काम को हम मैनेज करके लेके चलते हैं। तो ये देखिए बेड तो हो गया क्लीन, और मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी, पिलो कवर भी चेंज कर दिया, तो बेड मेरा हो गया बिल्कुल अच्छे से सेट। ब्लैंकेट वगैरह ये भी फोल्ड करके रख दूँगी। और ये ना बहुत हल्के वाले ब्लैंकेट है, तो इनको ना जब एसी चलाते हैं उनमें अच्छे से काम करते हैं ये, तो इनको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। ये भी मुझे वॉश करने हैं, मैं घर पर ही वॉश कर लेती हूँ, इजी वॉश, हैंड वॉश हो जाते हैं क्योंकि ये हल्के हैं ना, तो ये हाथों से ही हो जाते हैं अच्छे तरीके से। और अभी मैंने यहाँ पे जो चारपाई हम बिछाते हैं, तो मैं और दोनों बच्चे हम लोग बेड पे आ जाते हैं, और इसके पापा चारपाई पे लेटते हैं क्योंकि उनको बेड पे आदत नहीं है। तो चारपाई भी मैंने इधर साइड में खड़ी कर दिया, बच्चों की थोड़ी बुक्स वगैरह भी खेल रखी थी वो भी सेट करके रख दिया। अभी आ गई हूँ ड्रेसिंग सेट करने के लिए, क्योंकि ड्रेसिंग भी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फैल जाता है, बच्चे बाल बाल कंघे करके जाते हैं, तो ये सारा फैला पड़ा था, इसको भी थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर देते हैं और संगवा देते हैं जो सामान फैला हुआ है इसमें। तो मेरा रूम अच्छे से क्लीन हो जाएगा सारा, तो मैं फिर अपना बाहर का देखती हूँ। पहले तो वॉशिंग मशीन में से जो कपड़े धुल गए वो निकाल देती हूँ, उसमें दूसरे कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि मैं कपड़े धोती रहती हूँ उसमें डालती रहती हूँ, दूसरे निकाल दूँगी, वे वाले निकाल दूँगी जो पहले डाले थे, दूसरे डाल दूँगी। और पानी में वो मैं एक साथ ही निकालती हूँ। तो अभी वो रूम और किचन में सारा क्लीन करके आ गई हूँ मैं, आ गई हूँ बालकोनी में, यहाँ पर मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं, पानी में को निकाल दिया मतलब ड्राई में डाल दिए कुछ और डालूंगी। तो मैं बालकोनी भी अच्छे से वॉश कर रही हूँ क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट है, तो आज मैं अपनी क्लीनिंग का सारा काम कर दूंगी ख़त्म। तो इसमें कभी कभी मैं 8-10 दिन में ऐसे ही झाड़ू से क्लीन करती हूँ, वैसे तो पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये कपड़े ड्रायर में डाल दूँ, कुछ तो मैंने डाल के इसमें बाल्टी में सुखा दिए थे, कुछ और मैं डाल रही हूँ साथ के साथ। ये ड्रायर होएगा इतने में इनको फैला दूँगी स्टैंड पर, और अभी तो हम यहाँ पर नीचे ही डाल देते हैं, सर्दियों में ऊपर छत पर डालते थे, तो नीचे भी बंदर ना छोड़ देनी,
बहुत ज़्यादा बंदर हो रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे भी थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर रहेगा स्टैंड, फिर मैं अंदर ही कर दूँगी। और बाहर स्टैंड रहता है पूरा दिन, रोड चलती है तो उस पर थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करी, क्योंकि वाइट कपड़े न्यू कपड़े रहते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, तो दाग से ना दिखाई देवे वो अच्छे नहीं लगते, फिर डस्ट लग जाती है इन पर। तो ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है जो हमारा स्टैंड है कपड़ों का, यहाँ पर मैं कपड़े डाल दूँगी। जो बाकी की थोड़ी सी बालकोनी बची हुई है इसको भी धुल दूँगी, और कपड़े वगैरह का सारा काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। तो बालकोनी का जो काम है मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं अंदर का करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने नहा ली हूँ, पूजा कर ली है, आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। तो ये अभी हो गया दोपहर के लंच का टाइम, तो मैं बनाऊँगी आज लंच में, सारा काम फ्री करके, मतलब सारे काम करके अब फ्री हुई हूँ, और थक जाते हैं सुबह से लगे लगे नॉन स्टॉप, और अब बनाऊँगी लंच। तो लंच में आज बनाऊँगी मीठे कद्दू की सब्जी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया है, और सब्ज़ी हमारी गैस पे बनने लगी है, सब्ज़ी भी मैंने छोंक दी थी। अभी मैं सैलेड और काट के रख दूँगी, तो खीरे और प्याज काट के साइड में रख दूँगी पानी में डाल के, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। तो सब्ज़ी होने के बाद मैं बनाऊँगी पूरियाँ, और बस बच्चों के मतलब 10 मिनट या 15 मिनट रह रही है बच्चों के आने की, तो इतने में पूरी वूरी बना के रख लूँगी, तो गर्म गर्म रहेगी, बच्चे आ जाएंगे और हम चारों लोग बैठ कर खा लेंगे। चारों एक साथ ही खाते हैं, हम लोग भी बच्चों के आने का वेट करते, क्योंकि फिर अकेले खाते नहीं और साथ में बैठ के खाते हैं तो अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम ऐसे मतलब फैमिली के साथ में बैठ के खाना भी चाहिए और बच्चों को देना भी चाहिए। वैसे तो टाइम नहीं लगता है, वो भी नीचे शॉप पे बिजी रहते हैं और मैं भी अपने घर के काम में, लेकिन हम खाना साथ में ही बैठ के खाते हैं। और दोपहर का हम सोचते हैं अधिकतर बच्चों के साथ में ही बैठ कर खाए, क्योंकि शाम का तो लेट हो जाता है, इसके पापा लेट आते और बच्चों को स्कूल में पड़े, ऐसे उथले पड़े थक गए। अंश की अभी ड्रेस नहीं आई, इसकी यूनिफॉर्म अभी जा रही है बननी, यूनिफॉर्म चेंज कर ले भैया। यूनिफॉर्म चेंज कर ले फिर खाना खाइयो, चलो हैंड वॉश करो। ये बैग रख दिए दोनों ने, मैं भी कपड़ों का स्टैंड बाहर आ संदर करूँगी। आज सोफों के कवर चेंज किए दूल्हे, क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट है। तो जी देखिए यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं लंच बच्चे भी, और ये भी है, मैं अपनी प्लेट लगाने लग रही हूँ। फ्रेंड आ जाइए आप लोग भी, पेठा है, पूरी है, जिसको मीठा कद्दू बोलते हैं। तो जी आज का व्लॉग बस ये, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट भी कर, और राय दे, और अच्छे से लोग, बाय बाय।